हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। नाउ टुडे आई एम हियर विद द इंग्लिश कोर्स बुक। डियर स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग द चैप्टर 3। विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? चैप्टर 3। And what is the name of the chapter? Ashok's Kite. Okay? I hope students, आप सबको इस chapter की explanation अच्छे से समझ में आ गई होगी and you have written some hard words also. आप लोग इस chapter को again and again अच्छे से read करेंगे, ठीक है ना? Home पे इसको बार बार read करेंगे और जो भी आपके हार्ड वर्ड्स होंगे उसको आप हाईलाइटेड करते जाएंगे एंड हाईलाइटेड करके अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करेंगे। क्लियर हो गया? ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ इट्स टाइम टू मूव टू दी एक्सरसाइजेस। अब हम लोग एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करते हैं। सो लेट मी टेल यू अबाउट दी पेज नंबर। यहाँ देखिए पेज नंबर हमारा आज कौन सा है? 29। कल हम लोगों ने पेज नंबर 28 को रीड किया था ना, आज हम वो पेज नंबर 29 को देखेंगे। सो एवरीवन ओपन द पेज नंबर 29 ऑल ऑफ यू इन योर इंग्लिश कोर्स बुक। सब लोग ओपन कर लीजिए पेज नंबर 29 अपने बुक में। ओपन? ओके फाइन स्टूडेंट्स, जस्ट आफ्टर ओवर योर चैप्टर देयर इज गिवन अबाउट द एज वी रीड। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोगों ने रीड किया है, एज वेल एज वी हैव लर्न एंड रीड टू दिस चैप्टर। ओके सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर आर गिवन सम क्वेश्चंस। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस है ना, एंड दीज ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड फ्रॉम दिस स्टोरी, फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्टली एंड देन वी विल राइट द आंसर ऑल्सो। इट्स अ शॉर्ट टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हैं आपके ये। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। डिड अशोक लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट? अशोक जो है क्या वो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो वर्क है उसको लाइक उन्होंने किया, क्या वो उसको लाइक करते हैं? येस, बिकॉज फ्रॉम स्टार्टिंग ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू डू द वर्क ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। मीन्स क्या करते हैं वो, पेपर कटिंग से आर्ट एंड क्राफ्ट को बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, चैंस बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं ना। So there will be answer, short answer about your yes. Y-E-S, yes. Yes, Ashok liked art and craft. Clear? क्या answer होगा आपका? Answer, yes. Okay? Yes. Next question. Had he made a kite before? Means now he was going to make a kite na with the help of his father. अपने father के help से kite बनाने जा रहे हैं. But क्या इस टाइम जो वो काइट बना रहे हैं, वो काइट बनाने से पहले इन्होंने कभी काइट बनाया है? हैड ही मेड एनी काइट एवर? देन देयर विल बी आंसर नो, ही डिडंट मेक ना। दैट्स व्हाई ही वाज कंफ्यूज्ड एंड ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड एंड दैट्स व्हाई ही आस्क्ड अबाउट हिज फादर्स हेल्प। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा? नो, He hadn't made a kite before. Only no answer write कर देंगे। Next, which festival did he want to make the kite for? अशोक जो हैं वो किस फेस्टिवल के लिए काइट बनाना चाहते हैं, काइट बनाना चाहते थे किस फेस्टिवल के लिए? तो हम लोगों ने रीड किया है ना, हम लोगों ने रीड किया है बुक में। There was the festival about मकर संक्रांति। स्पेलिंग आई हैव रिटन मकर संक्रांति, एम ए के आर मकर संक्रांति, स्पेलिंग एस ए एन के आर ए एन टी आई मकर संक्रांति, टी आई इज एबव, ओके एबव मकर संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट ऑल डिड ही बाई फॉर मेकिंग द काइट? वॉट ऑल डिड ही बाई मीन्स वो कौन सी चीज़ें थी जो कि अशोक और उनके फादर ने काइट बनाने के लिए बाई किया, परचेज किया? सो देयर वर सो मेनी थिंग्स बट इट्स योर शॉर्ट
शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, तो इसलिए हम शॉर्ट आंसर राइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे बॉट टू थिन बम्बू स्टिक. सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया था, एक एलो पेपर लिया था ना, एलो पेपर परचेज किया था. आफ्टर दैट दे बॉट टू थिन बम्बू स्टिक उन्होंने परचेज किया था. एंड देन दे बॉट टेप ऑल्सो, ठीक है ना, एंड वाटर कलर्स भी किया था. तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, जो भी थिंग्स थी उन्होंने जो बाई किया था मार्केट से फॉर मेकिंग द काइट, यू कैन ऐड एक्स्ट्रा और अदर ऑल्सो. फर्स्ट बम्बू स्टिक्स, सेकेंड टैप, एंड थर्ड वन टैप आपका जो है टेप जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, फिक्सिंग करने के लिए उन्होंने लिया था टेप. एंड ETC एवरीटेन यू कैन ऐड सम मोर थिंग्स ओके विच वॉज बॉट बाई अशोक एंड हिज फादर. क्लियर, मूव टू द नेक्स्ट. What picture did he paint on the kite? Means वो ऐसी कौन सी पिक्चर थी, किस पिक्चर को अशोक ने पेंट किया था, वेयर ऑन द काइट पर. आंसर हमारा होगा पेंटेड, पेंट है ना, पेंटेड अ पिक्चर ऑफ द सन. मीन्स एक सन का जो पिक्चर है उसको इन्होंने क्या किया था ऑन द काइट. आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा ऑन द काइट, ठीक है, पेंटेड अ पिक्चर ऑफ द सन ऑन द काइट, ये है ना, इसको ऐड कर दीजिएगा आप लोग ऑन द काइट. क्लियर, लेट्स सी वंस अगेन. डिड अशोक लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, यस. हैड ही मेड अ काइट बिफोर, आंसर नो. विच फेस्टिवल डिड ही वॉन्ट टू मेक द काइट फॉर, किस फेस्टिवल की वो काइट बनाना चाहते थे, फॉर मकर संक्रांति फेस्टिवल. एंड कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो अशोक उनके फादर ने बाई किया था मार्केट से फॉर मेकिंग द काइट, काइट बनाने के लिए. बम्बू स्टिक था, एलो पेपर था, टैप था, वाटर कलर्स, एवरीथिंग वॉज देयर. नेक्स्ट, वॉट पिक्चर डिड ही पेंट ऑन द काइट, कौन से ऐसे पिक्चर थे जो उन्होंने जो अशोक ने काइट पे ड्रॉ किया एंड देन उसको पेंट किया. दैट वॉज अबाउट ही पेंटेड अ पिक्चर ऑफ द सन वेयर ऑन द काइट. क्लियर हो गया, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से मूव करते हैं. इट्स अबाउट योर, क्या है आपका ये, लेट्स लर्न मीनिंग फ्रॉम द स्टोरी. लेट्स लर्न मीनिंग फ्रॉम द स्टोरी मीन्स नाउ हेयर वी हैव सम वर्ड मीनिंग ओके फ्रॉम योर स्टोरी, फ्रॉम योर चैप्टर, ठीक है ना. चैप्टर से कुछ क्या है हमारे पास, वर्ड मीनिंग्स हैं. सो लेट्स कम टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फेस्टिवल, अ स्पेशल टाइम और अ हॉलीडे टू सेलिब्रेट समथिंग. फेस्टिवल स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर, वेन एवर यू हैव एनी फेस्टिवल लाइक यू होली, दिवाली, ईद, ये सारे फेस्टिवल जब होते हैं तो आपको हॉलीडे मिलती है ना. एंड वाई डू यू गेट हॉलीडे, बिकॉज इफ यू आर हैविंग द हॉलीडे सो यू कैन सेलिब्रेट योर फेस्टिवल वेरी वेल, वेरी मीन्स बिल्कुल फ्रीडम के साथ आप अपने फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ना. और वो बहुत ही स्पेशल टाइम होता है, हम इंजॉय करते हैं. एंड वी कुक ऑल्सो सो मेनी टाइप्स ऑफ डिशेज, ठीक है. तो आपका वो क्या होता है, फेस्टिवल. आप यहाँ पे वेरी सिंपल मीनिंग राइट कर सकते हैं, अ स्पेशल टाइम ओके फॉर हॉलीडे, अ स्पेशल टाइम फॉर हॉलीडे और हॉलीडे टू सेलिब्रेट समथिंग. देर आर गिवन टू मीनिंग, बस आपको ओनली वन मीनिंग ही राइट करना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इंजॉयड मीन्स इंजॉय करना, इंटरेस्ट लेना. लाइक वेरी मच मीन्स जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो जब हमें वो वर्क क्या होता है, हम लाइक करते हैं उस वर्क को. जब वो वर्क करने में हमें अच्छा फील होता है, वी फील गुड, वी फील रिलैक्स, तो वहाँ पे क्या होता है, हम वर्क के साथ साथ इंजॉय भी करते हैं, ठीक है ना. जैसे अगर आप लोग की क्लासेस में सिंगिंग कंपटीशन होती है और आप लोग की जैसे स्टोरी कंपटीशन होती है, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी रीडिंग कंपटीशन, तो आप सब इंजॉय करते हैं ना, क्या करते हैं, लाइक करते हैं ना. सिंगिंग जो है, स्टूडेंट सिंगिंग करते हैं तो आप लोग उसको लाइक करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो हो जाएगा लाइक वेरी मच. नेक्स्ट, मास्क, पेंटेड पेपर फेसेस ऑफ एनिमल्स आर पीपल टू वेयर ऑन द फेस. स्टूडेंट्स, मास्क एज वेल एज वी ऑल आर यूजिंग मास्क इन कोरोना टाइम और इन कोरोना डिजीज, ऑल आर यूजिंग मास्क. सब लोग मास्क यूज कर रहे हैं ना, और वो जो है पीपल टू वेयर ऑन द फेस, और वो लोग कहाँ मास्क जो है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, वो हम लोग अपने फेस पे उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो आता है मास्क. नेक्स्ट, मटेरियल्स,
things that are needed. Materials, students, whenever if you have to cook anything, अगर आपको कुछ cook करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके सबसे पहले इसके जो भी material, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी, needed होंगी, पहले आप उसको लाएंगे ना, उसको लाने के बाद ना आप cooking start करेंगे. Suppose that आपको कुछ कोई भी चीज़ prepare करनी है, you have to prepare any chart paper. So first of all, you will bring your chart paper, then color pencil, then tape. ये सारी materials पहले आप market से purchase करेंगे ना, and after that you will start to do your work by using these things. So these are called your materials. Next आपका है chores. What's the meaning of chores? Means pick करना, pick up करना, उठाना, ठीक है. Next frame. A thing that keeps us safe. Frame क्या होता है? A thing, एक चीज़ क्या होता है? That keeps us safe. Means frame हम क्यों बनाते हैं? कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं, जैसे कि अशोक ने काइट जो बनाया था, ठीक है ना, उसको क्या किया था, उसको एक फ्रेम में उसको उसकी फ्रेमिंग की थी. कैसे फ्रेमिंग की थी? By using the string, ठीक है ना, By using the string and a thin bamboo stick. बम्बू स्टिक के हेल्प से भी क्या किए थे वो, बम्बू स्टिक की हेल्प से उन्होंने जो काइट थी उसका फ्रेम बनाया था. क्यों बनाया था? उसको एक शेप देने के लिए. किस शेप का हो गया था वो आपका किस शेप का हो गया था? डायमंड शेप का हो गया था ना वो काइट जो था. अटैच मीन्स ज्वाइन करना, अटैच मीन्स ज्वाइन करना, जोड़ना किसी भी चीज़ के साथ. पेस्टेड स्टक करना, पेस्टेड स्टक करना मीन्स उसके साथ ऐड करना, पेस्ट करना. आपको मिलती है ना चीज़ें पेस्ट करने के लिए, आप पेस्ट करते हैं ना, वो यह है स्टक. नेक्स्ट स्टीमर्स, कलरफुल रिबन्स, स्टीमर्स. अशोक ने जो है 5 स्टीमर्स को क्या किया था, 5 स्टीमर्स को पेस्टेड किया था ना, वेयर, विद दैट काइट, काइट के साथ. तो वो क्या थी स्टीमर्स, क्या थी स्टीमर्स आपकी, क्या थी, क्या थी आपकी वो स्टीमर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टीमर्स, वो स्टीमर्स आपकी क्या थी, वो कलरफुल रिबन्स थी जो कि अशोक ने पेस्ट किया था, ठीक है ना, पेस्टेड किया था विद दैट काइट. ओके नाउ नेक्स्ट वन, यू हैव स्पेलिंग बी, प्रैक्टिस स्पेलिंग दीज वर्ड्स मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट दीज वर्ड्स. इन सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस करनी है. लाइक यू फर्स्ट यू हैव फेस्टिवल, सेकेंड स्ट्रीमर्स, थर्ड इंजॉयड, नेक्स्ट मास्क, नेक्स्ट मटेरियल्स, नेक्स्ट शूज, नेक्स्ट फ्रेम. यू हैव टू रीड दीज वर्ड्स इन लाउड वॉइस एंड देन आफ्टर रीडिंग यू विल लर्न दीज. एंड लर्न करने के बाद क्या करेंगे, लर्न करने के बाद आप इसको अपनी नोटबुक में भी राइट करेंगे. क्लियर? नाउ इट वॉज योर टूडेज, ये आपका आज का एक्सरसाइज था, आज का वर्क था, जो कि आप सबको क्या करना है, अपने बुक में कंप्लीट करना है. एंड वर्ड मीनिंग यू ऑल विल राइट इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट टू डू योर टूडेज वर्क एंड देन सेंड योर वर्क इन CIE's एप्लीकेशन, इन स्कूल एप्लीकेशन. नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे.